कक्षा चार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम समय मिनट घंटा मिनट समय पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे, आज हम जो गुणा कर रहे हैं उसमें देखिए तीनों इकाइयां हैं, घंटा मिनट और सेकंड, यानी इनको एक साथ गुणा करनी है। और गुणा किसे करनी है? 57 से। किसे करनी है? 57 को। 57 से सेकंड को, मिनट को और घंटे को गुणा करनी है। ठीक है, अभी हम तो टुकड़ों में किया था, पहले मैंने घंटा मिनट को किया था, फिर मिनट और सेकंड को किया था, अब हम तीनों एक साथ ही लिख दिया, घंटा मिनट सेकंड, और इसे आपको गुणा करनी है। तो गुणा करने का तरीका लग सब पूरा वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो तीन इकाइयाँ इसमें, घंटा है, मिनट है, सेकंड है। अब जैसे कि पहले आपको पता ही है कि एक घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए इन गुणाओं को हल करना है। तो सबसे पहले मतलब पहली इकाई है दो सेकंड, उसे ही 48 को 57 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 7 को हम 8 से गुणा करते हैं, तो 7 को अगर 8 से गुणा करें तो कितना होता है? 7 × 8 = 56। तो 7 को 8 से गुणा किया, 7 × 8 = 56, हासिल रह गई 5। फिर 7 को किससे किया? 4 से। तो 7 × 28 कितने होते हैं? 7 × 28। 28 में कितने जोड़ने? हासिल 5। 29, 30, 31, 32, 33 33। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, और ये हासिल मिटाई हमने। अब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 को 8 से गुणा करेंगे, 5 × 8 = 40, 40 का 0, हासिल रह गई 4। फिर 5 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 5 × 20 कितने हो गए? 5 × 20, 20 में कितने जोड़ने हैं आपको? 4। तो 21, 22, 23, 24। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, 6, 3, 4, 3, 7 और 2। अब देखिए 48 को 57 से को गुणा की हमने, 48 सेकंड को 57 से गुणा करने पर आंसर आया 2736। तो अब आपको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये 60 से तो बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए इस 60 का क्या लगाएंगे? भाग। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो देखिए भाग लगा देते हैं यहाँ पे, तो 60 का पड़ा आपको पता ही है, अगर नहीं आता हो तो आप लोग 6 का पड़ा लिख लो, 1 × 12 = 18 × 6 = 24 × 30 × 36 × 37 × 42 × 46 × 48 × 54 × 56 × 60। और अब 60 का पड़ा है तो सबके पीछे 0 लगा दो, तो ये आपका 60 का पाड़ा बन गया। क्या बन गया? 60 का पाड़ा। अब देखिए 60 का भाग हमें लगाना है 2736। तो पहले हमारे पास जो अंक हैं वो तीन अंक हैं, 273। 60 का भाग 273 में लगाना है, लेकिन 273 60 के पाड़े में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, 273 से छोटी संख्या लेंगे। तो देखो 273 से छोटी संख्या है 60 के पाड़े में 240। कितनी है? 240। और कितनी बार आया ये? 1, 2, 3, 4 चार बार 240। घटाया 3, 7 में से 4 गए 3, 2 से 2 गया 0, ये 6 नीचे उतार दिया हमने, तो ये आया 336। अब 336 भी नहीं आता देखिए इसमें, तो 336 से छोटी संख्या होती है 300। कितनी होती है? 300। कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5 ये 300। अब घटाया हमने तो यहाँ रह गया 3, यहाँ रह गया 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, 3 से 3 गया 0। ये हमारी सेकंड की गुणा पूरी होगी। अब इसके अंदर जो भागफल के अंदर जो आया है वो तो हो जाएगा हमारा मिनट, और जो शेष फल बचा है वो हो जाएगा हमारा सेकंड। अब इसी प्रकार से हमें 57 को 56 से गुणा करनी है, 57 को 56 से,
तो वही 7 का पारा 6 बार, तो 7 का पारा 6 बार बोलते हैं तो 7 × 6 = 42, 42 का 2 हासिल रह गई 4। फिर 7 को हम 5 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, 35 में 4 जोड़ेंगे 36, 37 = 38, 39 = 39, यानी 392। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, ये हासिल मिटाई हमने। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 को 6 से करेंगे, 5 × 6 = 30, हासिल रह गई 3। फिर 5 को 5 से किया, 5 × 5 = 25, 25 में 3 जोड़ना 26, 27, 28। अब इसकी जोड़ करेंगे, देखो 2, 9 के अंदर 0 जोड़ा 9, 8 में 3 जोड़ना है 9, 10, 11, और ये हासिल 2 और 1 = 3। तो 56 मिनट को 57 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर आया 3,112 में। अब देखिए यहाँ पर ये 45 मिनट पड़े हैं हमारे, इस 45 मिनट को हम इस मिनट के अंदर जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5 और 2 = 7, 9 के अंदर 4 जोड़ेंगे 10, 11, 12, 13, 1 हासिल, 1 और 1 = 2, 3 का 3, 3,237 मिनट। वही बात आ गई वापस कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मिनट को घंटे बनाने के लिए हम 60 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो इसको भी चेंज करेंगे हम घंटे में, तो 60 का क्या लगाएंगे, भाग। तो सबसे पहले 323, 323 60 का पढ़ा लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास तो 323 से छोटी संख्या देखिए 60 के पाड़े में कौन सी होती है, और वो होती है 300, और 300 कितनी बार आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 60 × 5 = 300, 5 बार। घटाया हमने 3 से 0 = 3, 2 से 0 = 2, 3 से 3 = 0, 7 उतार दिया नीचे, 237। फिर 60 के पाड़े में 237 से छोटी संख्या, और वो है आपकी 240, कितनी है, सॉरी 240 तो बड़ा हो गया, और वो है आपका 180, और 180 कितनी बार आया, 3 बार। घटाएंगे 7 में से 0 = 7, यहाँ एक उधार लिया 13, 13 में से 8 घटाने, तो 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 5 बच गए, यहाँ 1 रह गया, 1 से 1 गया 0। अब ये जो हमारे भागफल के अंदर है वो तो होगा घंटा, और जो शेष फल बचा वो होगा मिनट, क्या होगा, मिनट। अब बचा आपका घंटा, इसको आपको 57 से गुणा करनी है, तो 7 को 9 से गुणा करेंगे, 9 × 7 = 63, फिर पहले अंक के नीचे इंटू, फिर 5 से करेंगे, 9 × 5 = 45, जोड़ा 3, 6 में 5 जोड़ा, 6 × 5 = 11, 1 हासिल, 4, 1, 5, तो ये आया 513। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 53 घंटे बचे हुए हैं, इस 53 घंटे को हम इस घंटों में जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर संख्या आई 3, 3, 6, 5, 1, 6 और 5 का 5। तो देखिए आज हमने घंटा, मिनट और सेकंड की इकाइयों को तीनों को एक साथ एक ही संख्या से गुणा की, और गुणा करने पर जो हमारा आंसर निकला वो आंसर है 566 घंटे 57 मिनट और 36 सेकंड। सवाल थोड़ा बड़ा है, गुना भी लंबी है, आप इस सवाल को उतारिए और फिर इस सवाल को आप स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम इतने दिनों से हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका करने का अभ्यास कर रहे थे, तो आज भी हमने हमेशा के 5 वाक्य लिए, अब इनको हम इंग्लिश के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे देखिए पहला वाक्य है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं यानी आई,
अब आई के साथ में किसका प्रयोग होता है, एम का होता है, किसका होता है, एम का। तो एम का अर्थ क्या होता है, हूँ। तो आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ, एक विद्यार्थी। तो एक ए, यानी आई एम ए, और विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एस टी यू डी ई एन टी। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ का ट्रांसलेट हुआ आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फिर अगला वाक्य हमारा, तुम एक डॉक्टर हो, तुम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, यू, वाई ओ यू। यू के साथ किसका प्रयोग होता है, ए आर ई आर का। तो हमने लिखा वाई ओ यू मीन्स तुम, ए आर ई आर हो, यू आर तुम हो, क्या हो, एक डॉक्टर। तो ए डॉक्टर की डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। फिर सीता मेरी बहन है, सीता मेरी बहन है, तो सीता की स्पेलिंग क्या हुई, एस आई टी ए। अब सीता सिंगुलर एक वचन है, एक वचन के साथ में किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो आई एस इज, सीता इज। अब मेरी, मेरी को हम क्या बोलेंगे, माई, और बहन का सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, यानी सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है। फिर है सोहन डाकिया है, अब सोहन की स्पेलिंग क्या हुई, एस ओ एच ए एन, सोहन, सोहन सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इच का। और क्या है वो, डाकिया, डाकिया को हम क्या बोलते हैं, पोस्टमैन, पी ओ एस टी एम ए एन। तो हमारा सेंटेंस बना सोहन एच पोस्टमैन, मोहन सोहन डाकिया है। अब लास्ट है हमारा, मोहन एक लेखक है, तो मोहन भी एक है, एम ओ एच ए एन, मोहन सिंगुलर वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग, मोहन इज, मोहन है एक लेखक, यानी ए राइटर, डब्ल्यू आर आई टी ई आर, मोहन इज ए राइटर, मोहन एक लेखक है। अभी पांच वाक्य हैं, इनको कॉपी में उतारिए और फिर इनको बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।